Hi friend, my name is Vikas Chakvarti. In this session, I am going to tell you forfeited and reissued related problem. Okay, अब इसके लिए एक question लेके आते हैं कि question में है क्या, जो C.B.S.E में आए हुए एक question में से एक है. अब देखिए question क्या है, पढ़ते हैं चलते हैं. The director of a company forfeited 200 share of rupees 10 each, issued at a premium of rupees 3 per share for the nonpayment of the first call. Money of rupees 3 per share, the final call of rupees 2 per share has not been made. Half of the forfeited share were reissued at rupees 1000 fully paid up. Record journal entry for the forfeited and reissue of share. अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कंपनी के पास टोटल नंबर ऑफ शेयर कितने थे, 200 शेयर थे. यानी कंपनी के पास जो नंबर ऑफ शेयर कितने हैं यहां पे, 200 शेयर. कंपनी के पास 200 शेयर है जो एट द रेट ऑफ रुपीज 10 ईच का है. क्वेश्चन के हिसाब से कंपनी के पास टोटल 200 शेयर को फॉरफिट कर रही है और एक शेयर की प्राइस कितने की है, 10 रुपीज ईच की है. और कंपनी ने इशू किस में किया था, प्रीमियम पे. प्रीमियम कितने रुपए का है, एट प्रीमियम है. कंपनी ने प्रीमियम कितने रुपए से बता रही है यहां पे, कंपनी कितने रुपीज का प्रीमियम है, 3 रुपीज का है, रुपीज 3 प्रीमियम है. ठीक है, अब कंपनी क्या कह रही है कि फॉर द नॉन पेमेंट फॉर द फर्स्ट कॉल, यानी जो शेयर होल्डर था उसने किसका अमाउंट पेमेंट नहीं किया है, अनपेड कॉल किसका किया है, फर्स्ट कॉल का. यानी फर्स्ट कॉल की अमाउंट उसने पेमेंट नहीं की है, यानी अनपेड कॉल में, अनपेड कॉल में कौन सा है, फर्स्ट कॉल कितने रुपीज का था, रुपीज 3 का था. अब फिर कंपनी क्या कह रही है कि कंपनी की सेकंड एंड फाइनल कॉल, यानी जो फाइनल कॉल थी रुपीज कितने रुपीज की थी, कंपनी का जो शेयर था वो फाइनल कॉल की अमाउंट कितने रुपीज से थी, 2 रुपीज से थी. कंपनी ने वो कॉल ही नहीं किया. जब कंपनी 2 रुपीज से कॉल नहीं की, यानी फाइनल कॉल कितने का था, फाइनल कॉल रुपीज 2. जब फाइनल कॉल 2 रुपीज का था, अनकॉल्ड थी, यानी कंपनी ने इस कॉल की अमाउंट को कॉल ही नहीं किया. और कंपनी कह रही है इस शेयर को फॉरफिट की. अब देखिए इसमें क्या है, प्रीमियम से रिलेटेड तो कुछ कुछ कहा नहीं गया है. तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि प्रीमियम की अमाउंट ऑलरेडी पेड है. तो कंपनी के यहाँ पे जो पहली एंट्री होगी, जो पहली एंट्री जो कंपनी करेगी अपने यहाँ पे, वो क्या एंट्री कर सकती है, तो कंपनी अपने यहाँ पे क्या करेगी, जितना कॉल कर रही है उसके बेसिस में एंट्री करेगी. तो एंट्री क्या होगा, जो फर्स्ट एंट्री आएगी वो क्या आएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट. यानी जो कंपनी जो कॉल की हुई है उसमें से इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल. यानी अनपेड कॉल में क्या था, फर्स्ट कॉल था, तो टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल. और टू, और उसने फर्स्ट कॉल के अमाउंट से पेमेंट नहीं किया, तो पेमेंट जो भी की होगी वो कहां पे आएगी, फॉरफिटेड शेयर में. तो टू फॉरफिटेड शेयर, टू फॉरफिटेड शेयर्स. अब देखिए फॉरफिट शेयर है. अब कंपनी के पास नंबर ऑफ शेयर कितने थे, 200 शेयर था, और एक शेयर की प्राइस थी कंपनी का कितने का था, यहां पे कंपनी बताइए 10 रुपीज थी. लेकिन कंपनी ने 2 रुपए नहीं मांगा, यानी 10 में से 2 रुपीज माइनस कर दिया जाए तो कॉल्ड अप अमाउंट कितना जाएगा, 8 रुपीज. ये क्या हो जाएगी, वो कॉल्ड अप अमाउंट. कॉल्ड अप कितना की थी कंपनी ने, 8 रुपीज तक किया था. यानी जो शेयर कैपिटल में आएगा वो कितने से आएगा, 200 इंटू 8. यानी यहां पे अगर देखते हैं तो 200 इंटू 8 कितने रुपीज से आएगा, यहां पे 1600. अब उसने क्या पेमेंट नहीं किया था, फर्स्ट कॉल की अमाउंट. फर्स्ट कॉल की रुपीज कितने रुपीज की था, यहां फर्स्ट कॉल की अमाउंट कितने रुपीज का यहां पे है, अनपेड है. अनपेड कॉल हमने बताया कि अनपेड कॉल कितने रुपीज का था, यहां पे 3 रुपीज का अनपेड कॉल है. यानी 200 इंटू 3 रुपीज के हिसाब से अनपेड कॉल में आ गया कितना, आ गया 600. यानी कंपनी ने मांगा था 1600, लेकिन उसमें से उसने अगले शेयर होल्डर ने 600 अमाउंट पेमेंट नहीं किया. तो जो अमाउंट पेड की वो कहां पे आएगी, फॉरफीचर में. तो यानी 8 रुपीज कंपनी मांगी, 3 रुपीज अनपेड था, तो पेमेंट कितना किया है, 5 रुपीज तक. यानी फॉरफीटेड में कितना आएगा, 200 इंटू 5 1000. ऐसा क्या हो जाएगा, बींग 200 शेयर्स फॉरफिटेड.
200 share forfeited. अब कंपनी कह रही है कि हाफ ऑफ द फॉरफिट शेयर रीइश्यू. हाफ ऑफ द फॉरफिट शेयर का मतलब क्या हो गया कि कंपनी के पास फॉरफिट कितना की थी 200 शेयर का थी और उसका हाफ कितना बचते हैं 200 का हाफ करेंगे तो कितना आएगा 100 शेयर. और कंपनी 100 शेयर को कितने रुपीस में कर रही है एट रुपीस 1000. यानी अगर देखा जाए कि हाफ शेयर है तो 1000 पे कर रही है तो कंपनी को आना कितना चाहिए था, यानी कि 200 का हाफ किया 200 इंटू 1/2 किया कितना आना चाहिए 100 शेयर. और 100 शेयर है फुली पेड अप है तो 100 इंटू 10 के हिसाब से आना कितना चाहिए था कंपनी को 1000. और कंपनी रीइश्यू में कितने में कर रही है 1000 में. इसका मतलब क्या हो गया एट पार की कंडीशन होगी. जब एट पार की कंडीशन हुई तब की कंडीशन में क्या होगा जनरेटिंग क्या हो सकती है तो जनरेटिंग क्या करेगी कंपनियां बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितने से. यहां तो कंपनी के पास कितने रुपीस आ रहा है रुपीस 1000 आया और शेयर कैपिटल में भी कितने से आएगा 100 इंटू 10 फुली पेड अप की बात कर रही है तो यहां पे भी कितना आएगा 1000 बीइंग फॉरफिटेड 100 शेयर रीइश्यू. अब कंपनी ने फॉरफिट शेयर जो 100 शेयर था उसको रीइश्यू की. अब जब भी कंपनी जो रीइश्यू की तो कंपनी को अगर कैपिटल प्रॉफिट हो रही है तो कहां पर ट्रांसफर करेगी कैपिटल रिजर्व में. अब हम लोग देखते हैं इसमें कैपिटल प्रॉफिट हो रही है या नहीं. तो अब देखिएगा कि कंपनी को जो यहां पे मिला था एक शेयर पे कितना मिला था 5 रुपीज के हिसाब से. तो क्या कंपनी ने इस 5 रुपीज का जो कैपिटल प्रॉफिट हुई थी तो कंपनी ने क्या रीइश्यू में यूज किया है या नहीं. तो हम लोग देखते हैं कि रीइश्यू में तो यूज हुआ नहीं है. क्यों नहीं हुआ, क्योंकि कंपनी ने शेयर इश्यू किया हुआ है एट पार पे. तो जब कंडीशन जो एट पार पे हुआ तो ये जो कैपिटल प्रॉफिट हो रही है ये जितने भी एक शेयर पे जो कैपिटल प्रॉफिट हो रही है उसको कहां ट्रांसफर करेगी कंपनी कैपिटल रिजर्व में. यानी कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने के लिए तो यहां पे तो कितने शेयर पे मिला था 200 शेयर पे, लेकिन कंपनी ने रीइश्यू में कितने शेयर यूज किया है 100 शेयर. तो 100 शेयर पे जो कैपिटल प्रॉफिट थी उसको कहां ट्रांसफर करेगी कैपिटल रिजर्व में. तो कंपनी के यहां पे जनरेट क्या होगा फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट. अब देखिए कंपनी को जो कैपिटल प्रॉफिट हुई थी कैपिटल प्रॉफिट कैसे हुई थी फिर से बता देते हैं कि कंपनी को 200 शेयर पे मिला था 1000 ठीक है. और लेकिन तो कंपनी ने रीइश्यू में यूज कितना किया 100 शेयर को यूज किया है तो 100 शेयर के लिए कितना कंपनी यूज कर सकती है. अगर इसको दूसरे हिसाब से देख सकते हैं तो दूसरे हिसाब से देखा जाए कि इसको भी कंपनी का अगर इसको और दूसरे हिसाब से देखते हैं कि दोनों तरीके से बता देता हूं जो आपको इजी लगे आप उसका यूज कर सकते हो. अब देखिए कंपनी के पास था 200 शेयर्स फॉरफिटेड अमाउंट इज इक्वल टू 1000. तो वन शेयर पे कितना हो जाएगा वन शेयर पे 1000 डिवाइडेड बाय 200 इज इक्वल टू रुपीज 5. तो 100 शेयर फॉरफिटेड अमाउंट तो 100 शेयर फॉरफिटेड अमाउंट क्या हो जाएगी 100 इंटू 5 के हिसाब से कितना है 500 लेस फॉरफिटेड अमाउंट यूज ऑन रीइश्यू. कंपनी ने क्या रीइश्यू को यूज किया नो कोई यूज नहीं हुआ नील है यहां पे. तो यहां पे यानी कि ये जो अमाउंट आई ये कहां चली गई कैपिटल रिजर्व में. ये तो एक तरीका हुआ कि कंपनी ने जितने शेयर प्रॉफिट किया था कितना कैपिटल रिजर्व में यूज किया. अब दूसरे हिसाब से भी हम लोग देख सकते हैं कि इतना ना करने की जरूरत पड़े तो भी हम लोग देख सकते हैं कि कंपनी को एक शेयर पे 5 रुपए की कैपिटल प्रॉफिट हुई थी तो कैपिटल लॉस तो कुछ हुआ नहीं कंपनी को रीइश्यू में. तो जितनी भी कैपिटल प्रॉफिट हुई थी 200 शेयर पे 5 रुपए के हिसाब से आया था 1000 तो कंपनी रीइश्यू कितना की है 100 शेयर. तो 100 इंटू 5 के हिसाब से कहां चला गया वो अमाउंट कहां चले गए कैपिटल रिजर्व में. यानी यहां पे कैपिटल रिजर्व में कितना आ गया 100 इंटू 5 के हिसाब से जो अमाउंट आया कितना आ गया यहां पे 500.
being gain on forfeited, being gain on forfeited money transfer to capital reserve account. Okay, इस टाइप से ये क्वेश्चन हुआ। अब फिर से देख सकते हैं क्वेश्चन में था क्या। क्वेश्चन में था कि कंपनी 200 शेयर को फॉरफिट कर रही है, जो 10 रुपीस ईच का था, 3 रुपीस प्रीमियम पे था। वन शेयर होल्डर जो था उसने फर्स्ट कॉल के अमाउंट जो 3 रुपीस की थी और पेमेंट नहीं की, कंपनी ने 2 रुपए तक कॉल नहीं किया था। अब कंपनी कह रही है कि उसमें से हाफ शेयर को रीइश्यू कर रही है और रुपीस 1000 है। क्वेश्चन ये थी, तो उन्होंने एंट्री क्या किया, फॉरफिट की एंट्री किया। तो क्या एंट्री की, पहले इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैप टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल और टू फॉरफिट है। तो कैपिटल में कितना लिखा, जितना कंपनी ने कॉल अप किया था, कितने से कॉल किया था, 200 × 8 के हिसाब से कितना आया था, 1600। अब जितना उसने पेमेंट नहीं किया वो अमाउंट हुआ कितने से, 3 रुपीस से, तो 600 आए। अब जितना उसने पेमेंट किया तो अमाउंट कहां पे आई, फॉरफिटेड में। तो लिखा कि आप टू फॉरफिटेड शेयर 200 × 5 के हिसाब से 1000। अभी ये तो कंपनी ने फॉरफिट कर लिया। अब जब कंपनी फॉरफिट करे तो कभी हाफ शेयर पे, यानी 200 का हाफ कर किया गया तो कितना है, 100 शेयर को जब रीइश्यू करी तो बैंक ऑन डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल उन्होंने यहाँ फॉरफिट का यूज क्यों नहीं किया या प्रीमियम का यूज क्यों नहीं किया, क्यों, क्योंकि कंपनी क्या कर रही थी, कितने रुपीस में कर रही थी, 1000 रुपीस में रीइश्यू कर रही, और कितना आना चाहिए था, 100 × 10 के हिसाब से आना भी कितना चाहिए था, 1000। यानी क्या हो गया, फुली पेड अप में हो रही है। तब की कंडीशन में दोनों 1000 ये क्या हो गया, वो एट पार पे जनरेटिव। उन्होंने क्या किया, बैंक ऑन डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब क्या हुई कि जब कंपनी को इधर कैपिटल जब रीइश्यू कर दी, तो जितने भी शेयर को रीइश्यू की उस पर जो भी कंपनी को जो कैपिटल प्रॉफिट आए थे वो कहाँ ट्रांसफर करेंगे, कैपिटल रिजर्व में। तो उन्होंने दो चीज की बात की कि 200 शेयर प्रॉफिट अमाउंट कितना है, तो 1000, तो 1 शेयर पे कितना है, रुपीज 5, तो 100 शेयर पे कितना आएगा, 100 × 5 के हिसाब से 500। प्रॉफिट में कोई अमाउंट यूज नहीं हुआ, नील है यहाँ पे, तो ये कैपिटल रिजर्व है। एक तो इस टाइप से कैलकुलेशन कर सकते हैं। दूसरा उन्होंने बताया कि कंपनी को यहाँ पे एक शेयर पे कितने का कैपिटल प्रॉफिट हुआ था, 5 रुपीज का, रीइश्यू में यूज नहीं की, तो रीइश्यू में यूज तो नहीं किया, तो वो जो 5 रुपए पर शेयर के साथ जो कहां ट्रांसफर होगा, कैपिटल रिजर्व में। तो कितने शेयर को रीइश्यू की थी, 100 शेयर को, तो 100 × 5 के हिसाब से कहां पे आ गया, 500। ओके, आपको अगर अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब कीजिए, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में सेंड कीजिए। ओके, थैंक यू।